वेलकम बैक टू माई चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 20th of March 2022। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ रामपुर शहर का बहुत ही अच्छा लोकल फेयर होता है फाग, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारी जो पुरानी बहुत टाइम से आ रही चली संस्कृति है उसको मेंटेन करने में ये वाला जो लोकल फेयर है बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी 21-22 देवता जी है वो, उनका मतलब उनको इनविटेशन दिया गया था और देखते हैं। आज मेरा फर्स्ट डे है, वैसे पिछले कल से शुरू हो गई है बट आपको पता है छोटा बेबी है, जाना पॉसिबल नहीं था। आज कोशिश करूँगी आपके साथ जितना हो सके उतना शेयर करने की। आउट ऑफ जो हिमाचल सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग हमेशा डिमांड करते हैं इस तरह की कल्चर, अपने जो हिमाचल का कल्चर है उसको दिखाने के लिए हमेशा डिमांड करते हैं। आज मैं कोशिश करूँगी जितना पॉसिबल वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 2022 की जो फाग मेला है उसको एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। में ना हमेशा पार्किंग का इशू रहता है, सो हम लोगों ने ना यहीं पे बहुत पीछे मतलब गाड़ी जो है पार्क कर दी है और अब चलते हैं यहाँ से पैदल और आप लोगों के साथ रास्ते का जितनी भी भीड़ वगैरह ना सब देखना आप लोग। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पैदल चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पदम पैलेस। यहीं पे फाग हर साल मनाई जाती है, लोकल फेयर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारी संस्कृति को जो बचाने में अभी तक कायम रहा है ना तो ये फेयर है। और यहाँ पे पुलिस वगैरह सभी मौजूद थे सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि नाइट फंक्शन भी इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है। और हम दो हस्बैंड पहुँच गए थे यहाँ पे ग्राउंड में, आप देख सकते हैं सभी लोग आ गए थे। टाइम जो है वो 12 बजे के आसपास का होने लगा था, बाकी देवता गण आने बाकी थे तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि भीड़ किस तरह। बहुत ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं, सभी देवता वगैरह कुछ। सो ग्राउंड से हम थोड़ा सा आ गए हटके, यहाँ पे है जो देवतागण है यहाँ पे मतलब विराजमान होते हैं, रेस्ट करते हैं, ये उनकी जगह है। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है पीछे, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बैठते हैं। ग्राउंड से थोड़ा साइड में है ये और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बस थोड़ी ही देर में जो देवतागण है वो आने वाले थे। ये मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल गई, सो दूर से देख कर आगे मैंने सोचा इसे भी वीडियो में ले लूँ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बस यहाँ पर आने वाले थे देवता जी। सो अब आप आगे वीडियो को एंजॉय करेंगे। इस बार 21 देवतागण आए हैं और सभी आप समझो कि 21 लोगों का जो कल्चर है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं और पूरा एंजॉय लेते हैं फाग मेले का। शाम को नाटी लगाई जाती है, I'm sorry.
जो वाद्य यंत्र आपने देखे उनके जो नगाड़ों पे जो देवता जी नाचते हैं ना, ये मोमेंट देखने लायक है और इतना ब्यूटीफुल ये नज़ारा होता है ना, मैं क्या बताऊँ। आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने लाइव देखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जितने भी देवी देवता को आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सभी का अपना अपना तरीका होता है नाचने का। आप लोग आगे इंजॉय कीजिए वीडियो को और देखिए कि हिमाचल की जो संस्कृति है वो किस तरह की है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है और अभी सारे जो देवतागण है ना आने बाकी हैं। कुछ एक आगे जो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, कुछ एक आने बाकी हैं। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम लोग थक गए हैं और धूप इतनी तेज़ है, मैं क्या बताऊँ। तो चलिए आगे का जो बाकी का कार्यक्रम है बात का, वो इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कुलवी कॉस्ट्यूम पहना था और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो कुछ लोग जो अपने जो एरिया के जो भी ड्रेसेस रहती हैं उसको भी इस तरह से पहन के जो है मतलब पास में प्रस्तुति देते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। I'm gonna go to the bathroom.
देवी देवता का सभी का अपना एक बैठने का स्थान होता है, तो हम यहाँ आके जो है हस्बैंड और में थोड़ा सा अपनी तरफ से जो भी बन पड़े यहाँ पे दान पात्र में दान करने आ गए और बहुत अच्छा लग रहा था। सो अभी जो है कुछ एक देवी देवता आने बाकी थे, सो आगे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बार थोड़ा सा सैडनेस भी है क्योंकि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी नहीं हैं, वो भी आते थे मेले में और लास्ट जो फाग रहती है उसमें नाटी भी लगाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और इसके बाद हम लोग जो है निकल जाएंगे और थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें शेयर करूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर डांस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नाच रहे थे। और मेले में आए और कुछ खाने का ना बने तो फिर बात नहीं बनती। सो यहाँ पे है बहुत सारी मिठाइयाँ, पकौड़ों की कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ पकौड़े। सो इस तरह की मिठाइयाँ लेना मेले से बनता है। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पकौड़े और जलेबियाँ और भी बहुत सारी कलरफुल मिठाइयाँ थी। मैं घर के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, और हस्बैंड वेट कर रहे हैं आगे। पकौड़े भी ले लिए, जलेबी भी ले ली, सो चलिए अब चलते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में, मतलब जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी। बहुत इंजॉय करा पूरा दिन, आई होप मैंने पूरी कोशिश की है मैं हर एक चीज़ को कैप्चर कर पाऊँ। फेस कैसा हो गया, रेड, कैसी हालत, मज़ा आया? गर्मी बहुत ज़्यादा थी और टाइम हो रहा है 3:30 बजे के आसपास और अभी चल पड़े हम लोग घर। आदि सोया था, मैं फ़ोन कर रही थी, मैंने पूरी कोशिश की है मैं हर एक मोमेंट को कैप्चर कर पाऊँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आई होप आपने व्लॉग इंजॉय किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी हो रहा है बाय करने का टाइम, सो हम लोग अपने फेवरेट स्पॉट पे खा रहे हैं गोलगप्पे। इसी वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज वी बोथ आर टायर्ड नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, सी यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।